नीति वचन 14 में कह रहे हैं, जो बुरी युक्ति निकालता है क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते, मतलब उनका गलती हो जाता है। जो बुराई सोचने वाले बुराई को मन में रखेंगे, अगर हम सोचेंगे भाई मेरा जीवन आशीष नहीं रहेगा, मेरा अधूरा में निकल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे मन में शैतान के झूठों को जो जगह देते हैं, फिर उनका गलती हो जाता है, उनके जीवन में शैतान के लिए जगह मिल जाता है। लिख रहे हैं बुरी युक्ति निकालते हैं, नीति वचन 14:22, वो भ्रम में पड़ते हैं, उनको गलती हो जाता है, परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। करुणा और सच्चाई, हमको मालूम यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना लिख रहे हैं अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर यीशु मसीह। तो भली युक्ति निकालने वाले मतलब जो सही ढंग से सोचने वाले, उनका जीवन में करुणा और सच्चाई मिल जाता है। भली युक्ति सही चीज यीशु मसीह है, सच्चाई है, उसको अपना मन में ध्यान में रखें, उसको अपना आगे रखें, उसका विचार रखें। मसीह यीशु जैसे ही फिलिप्पियों 2 में लिख रहे उनके ही जैसा मनसा हमारा में रहें, हमारा आत्मा में तो है, हमारा अंदर आत्मा में, उसको अपने मनो में हम ट्रेनिंग देना है, हमारा मनो को यीशु मसीह जैसे सोचने के लिए। भली युक्ति निकालने वाले लोगों को अच्छे चाहत करने वाले, पहले तस्लोनी की 5 में देख रहे हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए सभी के लिए भलाई चाहत रखो, केवल अपने लिए नहीं सभी के लिए एक भलाई का चाहत रखना भलाई के ओर में लेकर जाएगा। पहले हर भलाई इंसान के मन से होती है, इसलिए मन के बारे में बाइबल बार बार कहता है, मन को बदलने के लिए, मन को रूपांतर करने के लिए पवित्र शास्त्र दिया गया है, ऐसे ऐसे वचनों को पढ़ना है।